बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू आर, होप यू आर फाइन। वेलकम टू द न्यू सेशन 2020, वेलकम टू क्लास 9th। सो डियर स्टूडेंट्स, कैन ओपन योर बुक्स एंड कम ऑन द यूनिट नंबर 7, सुल्तान अहमद मस्जिद। फर्स्ट वी रीड द लेसन। द सुल्तान अहमद मस्जिद इज़ वन ऑफ द मोस्ट impressive monuments in the world. It is also known as Blue Masjid because of the blue tiles that embellish its interior. Situated is in Istanbul, the largest city is in Turkey and the capital of Ottoman Empire. From 1453 to 1923, it has become the most popular tourist attraction. सुल्तान अहमद दुनिया की सबसे ज़्यादा मुतासर कुन यादगारों में से है। इसकी नीली टाइलों जो इसके अंदरूनी हिस्से को सजाती हैं की वजह से इसको नीली मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल, जो 1453 से 1923 तक सुल्तनत उस्मानिया का दारुल खिलाफा था, में वाकई ये मस्जिद सयाहों के लिए सबसे ज़्यादा पुरकशिश हरदलजीज मकाम बन गई है। इन द सेकंड पैसेज, इट वाज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1609 एंड 1616 ड्यूरिंग द रूल ऑफ अहमद वन। एज वॉज द कस्टम, दिस मस्जिद लाइक अदर मसाजिद ऑफ द टाइम कंप्राइजेज अ टॉम्ब ऑफ द फाउंडर, अ मदरसा एंड अ हॉस्पाइस। इसकी तामीर 1609 से 1616 तक अहमद अव्वल के दौर हुकूमत में हुई। इस दौर के रिवाज के मुताबिक ये मस्जिद दूसरी मसाजिद की तरह बानी के मकबरे, एक मदरसा, मुसाफिर खाने पर मुश्तमिल है। इन द थर्ड पैसेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ द मस्जिद स्टार्टेड इन 1609। द रॉयल आर्किटेक्ट सदीफर महमद आगा वॉज अपॉइंटेड बाई द सुल्तान एज इन चार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट। द ओपनिंग सेरेमनी वॉज हेल्ड इन 1616। अनफॉर्चुनेटली द सुल्तान कुड नॉट सी द कम्प्लीशन ऑफ द मस्जिद इन हिज लाइफ। इट वॉज कम्प्लीटेड इन द रेन ऑफ हिज सक्सेसर मुस्तफ़ा वन। इस मस्जिद की तमीर 1609 में शुरू हुई। सुल्तान ने शाही मेमार सैयद यफर मोहम्मद आगा को इस मंसूबे का निगरान मुकर्रर किया। इफ्तिताही तकरीब 1616 में मुनक्किद हुई। बदकिस्मती से सुल्तान मस्जिद की तकमील अपनी ज़िंदगी में ना देख सका। ये इसके जानशीन मुस्तफ़ा अव्वल के दौर में मुकम्मल हुई। कम ऑन द फोर्थ पैराग्राफ, ब्लू मस्जिद रिफ्लेक्ट्स द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ बोथ ऑटोमान मस्जिद एंड बाइजेंटाइन चर्च हागिया सोफिया। अ मस्जिद वन ऑफ द वंडर्स ऑफ मुस्लिम आर्किटेक्चर वाज आल्सो केप्ट इन व्यू एज अ मॉडल। ब्लू मस्जिद इवन टुडे इज कंसिडर्ड टू बी अनमैच्ड इन स्प्लेंडर मेजिस्टी एंड साइज। नीली मस्जिद दोनों सल्तनत उस्मानिया की मस्जिद और बाज नतीनी कलीसा के फन तामीर की इक्कासी करती है। मस्जिद आया सोफिया, जो कि मुस्लिम तर्ज तामीर के अजायबात में से एक थी, को भी नमूने के तौर पर मद्देनज़र रखा गया। शान शौकत, अजमत और हजम के अतबार से आज भी नीली मस्जिद को बेमिसाल समझा जाता है। कमन द फिफ्थ पैराग्राफ, द मस्जिद हैज़ अ स्पेशियस फोर कोर्ट सराउंडेड बाय अ कॉन्टीन्यूस वॉल्टेड आर्केड। इट हैज़ एब्लूशन फैसिलिटीज ऑन बोथ साइड्स। इन द सेंटर देर इज़ अ फाउंटेन विच इज़ रेदर स्मॉल इन कॉन्ट्रास्ट विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोर्ट यार्ड। अ हैवी आयरन चेन हैंग्स इन द अपर पार्ट ऑफ द कोर्ट एंट्रेंस ऑन द वेस्टर्न साइड। दिस साइड वॉज मेंट फॉर द सुल्तान अलोन। द चेन वॉज पुट देयर सो दैट द सुल्तान हैड टू लोअर हिज हेड एवरी टाइम ही एंटर्ड द कोर्ट। इट वॉज अ सिम्बॉलिक गेस्चर टू इंश्योर द ह्यूमिलिटी ऑफ द रूलर इन द फेस ऑफ द डिवाइन। इस मस्जिद का वसी सहन कराबी के तारों के सिलसिला से घिरा हुआ है। इसके दोनों जाने वजू की सहूलत मैसर है। वस्त में एक फवारा है जो कि सहन की वसत के बरक्स कदरे छोटा है। मगरबी जानब सहन के दरवाजे के बलाई हिस्से पर लोहे की एक वजनी जंजीर लटकी हुई है। ये रास्ता सिर्फ सुल्तान के लिए मखसूस था। वहाँ पर जंजीर को इससे लटकाया गया था ताकि सुल्तान को सहन में दाखिल होने के लिए हर मरतबा अपना सर झुकाना पड़े। ये बादशाह की अपने रब के सामने आजी को यकीनी बनाने का एक अलामती इशारा था। सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस द फिफ्थ 1 to 5 पैराग्राफ्स।
I will discuss the question answers of this unit, number 7. The first one question is, why Sultan Ahmed Masjid is also known as Blue Masjid? The Sultan Ahmed Masjid is one of the most impressive monuments of the world due to its special pattern of construction. It is also known as Blue Masjid due to its blue tiles that embellished its interior. The upper level of the interior is adorned with blue paint. Its embellished interior attracts the tourists from the whole world. Question number 2, who was appointed as the architect of the masjid? The Sultan Ahmed Masjid was constructed between 1609 and 1616. The royal architect Sadifar Mehmet Agha was appointed by the Sultan as in charge of the project. Unfortunately, the Sultan could not see completion of the masjid in his life. Question number 3, why was the heavy iron chain hung at the entrance of the court? A heavy iron chain was hung at the upper side of the court on the western side. This side was meant for the Sultan alone. This chain was put there so that the Sultan had to lower his head every time he entered the court. It was a symbolic gesture to ensure the humility of the ruler in the face of divine. So, dear student, you can write down the question answers of this unit. Question number 1, 2 and 3 on your notebooks. Read them and learn them by heart. And you write down on your notebooks. If you have any confusion, you can contact on the school number. I say Allah Hafiz to all of you. Take a good care of yourself.